खबरों में हैदम। सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। जय हिंद जय भारत दोस्तों, एक बार फिर कमलेश मिश्रा हाजिर है एक नई खबर के साथ। और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो टीवी वालों ने भी बिगुल फोंक दिया है, इनका 2013 पे जो है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि आपको रेगुलर किया जाएगा। जीतने के बाद वो वादा भूल गए। उसके बाद 2018 में पुनः सरकार बनाने के लिए उन्होंने यही वादा किया कि एमपीबी के जो ओटीसी जो कर्मचारी हैं, आउट ऑफ सोर्स है, और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाएगा। आज जो है जिला मुख्यालय मंडला पर एमपीबी के सामने उन्हीं कर्मचारियों ने बिगुल फूंक दिया है, विद्रोह कर दिया है और आज धरने पर बैठ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, क्या नाम है आपका? सियाराम झारिया। सियाराम झारिया जी, आज जो है बड़ी संख्या में जो है एमपीबी के कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। जी सर, किन मांगों को लेकर बैठे हैं आप? क्या है वजह, क्या है इतनी बड़ी संख्या में? हमारे आउटसोर्स कर्मचारी को बहुत ही कम तनख्वाह दिया जाता है, ना उनके पास कोई बीमा है, ना उनका इलाज के लिए कोई बेनिफिट है। अगर हमारे आउटसोर्स कर्मचारी धोखा से भी एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो ना कंपनी उनको इलाज की नहीं देती है। और 8,000-10,000 की तनख्वाह में आउटसोर्स कर्मचारी दिन रात मेहनत करके काम करता है। और सरकार द्वारा 2013 में जो कहा गया था कि आउटसोर्स का सम्मेलन किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। संविदा का नियमितकरण करने की वादा किया सरकार ने, इसके बाद उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में आ गए हैं। तीन मांगों प्रमुख है हमारे, आउटसोर्स का नियमितकरण किया, सम्मेलन किया जाए, संविदा कर्मचारियों का नियमितकरण किया जाए और सरकारी कर्मचारी को फिंच बेनिफिट दिया जाए। तो ये पीड़ा थी आउटसोर्स कर्मचारी की, जो बता रहे थे कि भाई इनकी तीन मांगे पूरी की जाए। और इन्होंने बताया कि अगर ओटीसी कर्मचारी जो होता है, आउटसोर्स कर्मचारी जो हो जाता है, अगर गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाए या तबीयत खराब हो जाए या स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे साथ बात करने के लिए महिलाएं भी हैं, ये भी हैं। क्या क्या चाह रही हैं आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं? जी हाँ, ये हम संविदा कर्मचारी हैं और कई सालों से हम विद्युत विभाग में हैं, लेकिन हमेशा तीन साल होते हैं और एक्सटेंशन कर दिया जाता है। और जो एक्सटेंशन हो रहा है वो एक्सटेंशन ना करके हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो पहले हमारे साथ में भी रहे हैं उन्हें नियमित कर दिया गया है। लेकिन विद्युत विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ संतावना दिया जाता है, टाइम बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम ऐसा जो है सरकार हमारे साथ में करेगी और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये जो अति हो गई है, और अब हम जो उतरे हैं यहाँ पे आंदोलन के लिए, तो ये आंदोलन तभी रुकेगा जब सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसमें सिर्फ हम अकेले नहीं है, इसमें जो बाह्य कर्मचारी हुए, आउटसोर्स कर्मचारी जो लिया गया है, सिर्फ सरकार अपना जो है काम पूरा करने के लिए उनको लिए हैं, लेकिन उनको जो मानदेय दिया जाता है इतना कम दिया जाता है कि एक परिवार चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस काम करते, जिस रिस्क पे काम करते हैं, यदि उनके साथ कोई घटना घट भी जाती है तो उनके लिए क्या सोचा गया है? कुछ नहीं सोचा गया है। यदि उस घर का कोई मर जाता है उसमें खंभे में चढ़ करके, तो क्या वो घर के लिए कोई सरकार सोचेगी नहीं? उनके घर से उन्हें यानी कोई रिस्कवर नहीं रहेगा। मेडिकल हाथ पैर टूट जाते हैं तो क्या मेडिकल रिस्कवर नहीं देगी सरकार? ये सरकार जो है हमेशा जो है चॉकलेट पकड़ा देती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। तो चुनावी साल है और फिर से एक बार जो है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बिगुल बज गया है और विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 नवंबर पर। अब यह सोचना है कि इतने सारे जो है एमपीबी के जो कर्मचारी हैं, इनकी मांगों को प्रदेश के मुखिया पूरा करते हैं या फिर आगामी विधानसभा चुनाव पर यही एमपीबी के कर्मचारी जो है इन्हें मजा चखाएंगे।
विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें WhatsApp करिए, हमारा WhatsApp नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।